हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट यूनिट 8 आर फेदर्ड फ्रेंड्स, मतलब कि हमारे पंख वाले दोस्त। क्या ताज़ी हवा और सुकून वाली सुबह है। परिंदे सब आवाज़ कर रहे हैं और हवा भी ठंड और शांत है। शुभांगी अपने खानदान के साथ बगीचे में चाय और नाश्ता कर रही थी। देवांगी शुभांगी की बहन और मित्रा की दोस्त है, जो बारगांव से थोड़े दिन रुकने आई है। देवांगी कॉलेज पढ़ती है, सेकेंड ईयर जूलॉजी, सब्जेक्ट MS यूनिवर्सिटी वडोदरा में। शुभांगी एक खूबसूरत परिंदे को देखती और कहती है, क्या खूबसूरत पैरों है। देवांगी कहती है कि नहीं मेरी जान, ये तो टेलर बर्ड है, देखो इसका कलर भी पीलिश हरा है और ये स्पैरो से छोटा भी है। शुभांगी कहती है, हाँ तुम सही हो, मगर परसों जब मैंने इसे देखा था तो वो जंग जैसे कलर में था। देवांगी ने कहा कि देखो सुब्बू, ये पीलिश हरा वाला लड़का है और जंग जैसे कलर वाली लड़की है। शुभांगी ने कहा, क्यों ऐसा। मैंने हर प्रकार के जीव जंतु में देखा है कि लड़की का रंग लड़कों के सामने बहुत पीखा होता है। देवांगी कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें परिंदों में बहुत ही दिलचस्पी है। शुभांगी ने कहा, जी हाँ दीदी, देखो मित्रा दीदी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रहती है, तो क्या आप मुझे इस परिंदों के बारे में ज़्यादा बता सकती हो क्या। देवांगी ने कहा, परिंदे मेरी दिलचस्पी है और मित्रा की नहीं। मुझे परिंदों के बारे में बात करने में बहुत ही खुशी होगी। मित्रा, क्या तुम मेरी बैग से वो किताब लेकर आओगी जिसमें लिखा है इंडिया के परिंदे और सलीम अली इस किताब के लेखक हैं। मित्रा ने कहा, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। माँ बाप ने कहा, अपने बातचीत एंजॉय करना, अभी हमको जाना है। देवांगी कहती है, सुनो शुभांगी, तीन प्रकार के परिंदे हैं, एक जंगल के परिंदे, दूसरे पानी के परिंदे और तीसरे परिंदे जो है वो इंसान के माहौल में रहते हैं। ये टेलर बर्ड है, जो हम इंसानों के आसपास रहने वाली एक परिंदा है। ये अपना घोंसला हरे पत्ते और झाड़ के रेशम से सीते हैं, इसलिए इन्हें टेलर बर्ड कहा जाता है। शुभांगी ने कहा, बहुत खूब, मगर लड़का और लड़की में अलग-अलग रंग क्यों है, बल्कि हम सबका रंग एक ही है। देवांगी कहती है, ओए चुलबुल, दो मुख्य प्रकार के परिंदे होते हैं, एक जो शिकारी होते हैं, छोटे परिंदों को अपना शिकार बना लेती है और खा लेती है। लड़की परिंदे डल होना चाहिए तो वो खुद को शिकारियों से छुपा सके, क्योंकि वही अपने खानदान को आगे बढ़ा सकती है। शुभांगी ने कहा, बहुत खूब, क्या कुदरत का करिश्मा है। मित्रा ने कहा, देवांगी ये लो तुम्हारी किताब, इस किताब में परिंदों के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें लिखी है। देवांगी ने कहा, पक्षियों के बारे में जानना मेरा जुनून है। मित्रा शुभांगी से कहती है कि देखो ये टेलर पक्षी के घोंसले की तस्वीर है। शुभांगी ने कहा, बहुत ही मस्त है। देवांगी ने कहा, चलो दूसरे दिलचस्प पक्षियों के बारे में बात करते हैं। देखो ये है देसी ग्रे सिंगबिल, यानी इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। ये पक्षी भारत के उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट की सबसे आम पक्षी है। इसके ग्रे पंख हैं पूरे जिस्म में, लाइट ग्रे और ढीला पेट है। शुभांगी ने कहा, जी हाँ दीदी, कहाँ रहने का है इन पक्षियों का। देवांगी कहती है, दोनों जंगल में भी और शहरों में भी इसको पाया जाता है, ज़्यादातर बड़े से पेड़ों पे। शुभांगी ने कहा, उसकी चोंच कुछ अजीब सी है ना। देवांगी कहती है, जी हाँ मेरी जान, उसकी चोंच कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, जैसे कि कोई सिंह हो सिर पे, इसलिए तो इसे हॉर्नबिल कहते हैं।
एक और खूबी यह है कि वो अपना घोंसला लंबे से पेड़ के खड्डे में बनाती है। लड़की पक्षी खड्डे के घोंसले में जाती है और मिट्टी के चर्रों से अपना घोंसले को छुपा लेती है। लड़का पक्षी वो लड़की पक्षी और छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखता है और उनको खाना लाकर देता है। शुभांगी ने कहा, कितना देखभाल करने वाला दोस्त है। देवांगी ने कहा, बहुत ही मुश्किल काम है पूरे खानदान को खिलाना। सारा सारा दिन उसको खाने की खोज करनी पड़ती है। इतनी चाहत वाले व्यवहार लड़की की तरफ हमारे अमुक राज्य की जगहों पर इसे वाहुघेलो कहते हैं, मतलब कि कोई अपनी बीवी का ज़्यादा ही ख्याल रखने वाला। शुभांगी ने कहा, वाओ कितना अच्छा, मेरे गुरु भी ये कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या मैं एक और सवाल पूछ सकती हूँ? देवांगी कहती है, जी पक्का मेरी जान, पूछो। शुभांगी ने कहा, मैंने एक बार मेरे दोस्त नाजमीन के घर गई थी पोलो जंगल में। मैंने वहाँ बहुत वीवर पक्षियों के घोंसलों को देखा, बबूल के पेड़ पर। बहुत ही खूबसूरत था। वो अपना घोंसला कैसे बनाती है? देवांगी ने कहा, इस फोटो को देखो, ये किताब में। ये है वीवर बर्ड। इस पक्षी का नाम सुघारी है, गुजराती में मतलब कि कोई जो खूबसूरत घर बनाने वाला हो। ईश्वर ने हम सबको अलग-अलग कला से नवाजा है। इस वीवर पक्षी को घर बनाने की कला से नवाजे हैं। वीवर पक्षी को लंबी डोरी की तरह घास के पत्तों का उपयोग करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। शुभांगी कहती है, दीदी घोंसला कौन बनाता है, लड़का पक्षी या लड़की पक्षी? देवांगी ने कहा, लड़के पक्षी जो घोंसले को सीते हैं, लगभग 18 दिन लगते हैं इस घोंसले की बिल्डिंग बनाने के लिए। जब घोंसला आधा बन जाता है तो लड़का पंछी उस लड़की पंछी को अपने गाने से बुलाता है। अगर वो लड़की पंछी उस घोंसले को अपना लेती है तो दोनों मिलकर उस घोंसले को पूरा करते हैं, अगर नहीं अपनाती है तो वो घोंसले को तोड़ देते हैं। शुभांगी ने कहा, तो फिर वो लड़के पंछी को तो बहुत ही मुश्किल होती होगी एक से ज़्यादा घोंसले बनाने में। देवांगी बोलती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, लड़का बहुत सारे घोंसले बनाते हैं घोंसले बनाने के सीजन में। शुभांगी ने कहा, बेचारा, मुझे याद है मैंने आधे अधूरे घोंसले भी देखे हैं। देवांगी कहती है, शुभांगी पंछियाँ हमारे दोस्त ही नहीं बल्कि हमें बहुत सारी तरह से मदद भी करते हैं। क्या तुम्हें गिद्ध परिंदा पता है, वल्चर? आम तरह से लोगों को यह वल्चर पंछी नहीं पसंद आता क्योंकि ये पंछी दूसरे मरे हुए जानवरों को खा लेता है, मगर उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं क्योंकि वो हमारे आसपास के सड़े हुए मरे हुए जिस्म को खा लेता है। इसकी चोंच को बहुत ध्यान से देखो इस फोटो में। ये इस तरह से बनी हुई है कि मरे हुए जिस्म से मांस को फाड़ सके। शुभांगी, जी हाँ, ये चोंच का कोना बहुत ही नोकीला है। दीदी, मैंने थोड़े महीनों से इस वल्चर को आसमान में घूमते नहीं देखा, इसलिए इसी क्या वजह हो सकती है इसकी क्या वजह हो सकती है? देवांगी कहती है, आज के हिसाब से बीमार पशु के इलाज के लिए दवा का उपयोग करते हैं, और जब यह पशु मरता है तो वल्चर उसके जिस्म को खा लेता है। डाइक्लोफेनाक वल्चर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसे मांस को खाने के बाद थोड़े दिन में ही वल्चर की मौत हो जाती है। लगभग 97% वल्चर की आबादी गायब हो चुकी है। शुभांगी कहती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इंसान बहुत ही स्वार्थी और मतलबी हैं। हमको दूसरे जीव जंतु की कोई परवाह ही नहीं है इस दुनिया में। क्यों हम पक्षियों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे? हम पंछियों की कैसे मदद करें? देवांगी बोलती है, आप पक्षियों के लिए दाना और पानी रख सकते हो। आजकल बहुत ही कम स्पैरो दिख रहे हैं। सही कहा ना,
कहाँ चले गए हैं स्पैरोस? शुभांगी कहती है, शायद उनके मामा के घर गए होंगे वेकेशन के लिए। देवांगी, बाकी दिनों में कहाँ होते हैं ये स्पैरोस? शुभांगी बोली, मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या? देवांगी बोली, वो हम सबको छोड़ के चले गए हैं क्योंकि हमने उनके घरों को तोड़ दिया है इसलिए। शुभांगी बोली, कैसे? मैंने तो ऐसा कोई भी शरारत नहीं की है। देवांगी, नहीं जाने मन, हमने हमारे घर को इस तरह से डिजाइन किया है कि कोई भी परिंदा अंदर नहीं आ सकता। हम उनको हमारे घर में घोंसला बनाने नहीं देते, उनको हमारे साथ रहने में सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए उनको हाउस स्पैरो बुलाते हैं। शुभांगी बोली, ठीक है, मुझे वो सब परिंदे वापस चाहिए, और ये भी पक्का है कि मेरे दोस्त भी मेरी मदद करेंगे। देवांगी बोली, ठीक है, तुम स्पैरो का घोंसला फुट्टों के डब्बे से बना सकती हो। परिंदों को घाटिए मत देना क्योंकि ये उनके पेट के लिए अच्छा नहीं है। कुछ अनाज डालो, चावल, बाजरा, इस तरह से, और खतरों और कटोरों में पानी रख देना। वो पक्का तुमसे खेलने आएंगे। बाद में तुम और तुम्हारे दोस्त गाना भी गा सकते हो, चक्की बेन मारी साथे रंबा, आवशो के नहीं, आवशो के नहीं, चिकली चिकली मेरे साथ खेलने आओगी के नहीं, आओगी के नहीं। शुभांगी बोली, एक और सवाल दीदी। देवांगी जी पूछो। शुभांगी बोली, प्लीज़ मुझे विदेशों से पक्षी आते हैं उनके बारे में बताओ ना। देवांगी बोली, ठीक है सुब्बू, हर साल हमारे यहाँ हजारों चिड़िया मेहमान बन के आती है, यूरोप से, साइबेरिया से और दूसरी ठंडक वाले देशों से। चिड़िया जैसे पेलिकन्स, क्रेन्स, कई प्रकार के भटक्स, बतक्स और रोसी पैस्टोर्स हजारों किलोमीटर्स ट्रैवल करती हैं इंडिया आने के लिए। शुभांगी बोली, रोसी पैस्टर, ये बहुत ही प्यारा नाम है, ये क्या है? देवांगी बोली, ये एक पंछी है हमारे यहाँ के मैना की तरह। रोसी पैस्टर को वैया कहते हैं गुजराती में। इसका कलर डल कॉफी कलर और गुलाबी है। शुभांगी बोली, ये वही है जो मैंने विंटर में देखा है, झुंड में उड़ते हैं। देवांगी बोली, बहुत सही पहचाना, ये पंछी जून जुलाई में यूरोप से आती है और मार्च अप्रैल में वापस चले जाते हैं। शुभांगी बोली, कोई भी मैप के बिना कैसे ट्रैवल करते हैं? देवांगी बोली, वो सब सूरज की मदद लेते हैं उनका रास्ता ढूंढने में। आते वक्त जल्दी सुबह में ट्रैवल करते हैं और वापस लौटते वक्त शाम को ट्रैवल यात्रा करते हैं। शुभांगी बोली, विदेश से आने के लिए क्या सब पंछी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं? देवांगी बोली, बिल्कुल भी नहीं, सब पंछी अलग अलग पैटर्न में उड़ती हैं। पंछी जैसे क्रेन्स, डक्स और गीस वी शेप के डिज़ाइन में उड़ती है। अमुक डक्स, वार्बलर्स एंड फ्लाई कैचर्स झुंड में यात्रा करते हैं। शुभांगी बोली, ओ ईश्वर, मैं इतने सब डिटेल्स को कैसे याद रखूंगी? देवांगी बोली, बहुत आसान है, ये स्टेप्स पक्षी को देखते वक्त याद रखो। पहला, पंछी के कलर को देखो। दूसरा, उसकी साइज को देखो। तीसरा, चोंच के शेप और लंबाई को देखो और पूंछ भी। चौथा, किस जगह पे देखती हो, जैसे पेड़ पे, वायर पे, पानी में, खुले मैदान में, हरा मैदान, आसमान। इसके अलावा तुम अपने करीबी दोस्तों के नाम इन पंछियों को दे सकती हो, जिसकी आदत इन पंछी की तुम्हारे दोस्त से मिलती जुलती हो। शुभांगी बोली, सच है, बहुत शुक्रिया दीदी, ये रंग बिरंगी पक्षियों पंछियों की दुनिया से मेरी पहचान कराने के लिए। देवांगी बोली, जी हाँ, मेरी दिमागी बुखार पंछी। मित्रा बोली, वो क्या है? देवांगी बोली, एक पंछी शुभांगी की तरह, सुब्बू, सर्च अबाउट दिस बर्ड। मित्रा बोली, याद रखो सुब्बू,
हमें वो पंछी दुनिया में चाहे जो कीड़ों को खा लेते हैं जो कि फसलों के लिए नुकसान कारक हो, बीजों को फैलाने के लिए भी मददगार होते हैं, हम सबको खुश करते हैं उनकी मधुर आवाज़ से। चिड़ियाओं का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इनसे हमें स्वास्थ्य वातावरण का संकेत मिलता है। शुभांगी बोली, बहुत शुक्रिया दीदी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट यूनिट 8 आर फेदर्ड फ्रेंड्स, मतलब कि हमारे पंख वाले दोस्त। क्या ताज़ी हवा और सुकून वाली सुबह है। परिंदे सब आवाज़ कर रहे हैं और हवा भी ठंड और शांत है। शुभांगी अपने खानदान के साथ बगीचे में चाय और नाश्ता कर रही थी। देवांगी शुभांगी की बहन और मित्रा की दोस्त है जो बारगांव से थोड़े दिन रुकने आई है। देवांगी कॉलेज पढ़ती है, सेकेंड ईयर जूलॉजी सब्जेक्ट MS यूनिवर्सिटी वडोदरा में। शुभांगी एक खूबसूरत परिंदे को देखती और कहती है, क्या खूबसूरत पैरों है। देवांगी कहती है कि नहीं मेरी जान, ये तो टेलर बर्ड है, देखो इसका कलर भी पीलिश हरा है और ये स्पैरो से छोटा भी है। शुभांगी कहती है, हाँ तुम सही हो, मगर परसों जब मैंने इसे देखा था तो वो जंग जैसे कलर में था।